अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय ट्विच चैनल गाइस। जैसे कि आप लोग को पता है कि डेली डी में नया नया वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, कि कम से कम आप लोग अगर जॉब सर्च कर रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, गल्फ में आना चाह रहे हो, तो आने के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। जो जो कैटेगरी में जाना चाहते हो, जो भी काम सर्च कर रहे हो, तो वो आपको आसानी से मिल जाए, आप आसानी से कॉन्टैक्ट करके और आप बाहर आ सको। ठीक है, तो आज जो मैं वैकेंसी अपडेट करूँगा ये बेहरीन का है, और इसमें जो भी कैटेगरी है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो और वीडियो पूरा समझा करो जो मैं बोलता हूँ। काम के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या काम है, क्या ड्यूटी होगा, क्या कंपनी फैसिलिटी देगी, क्या सैलरी होगा, फ्रेशर चाहिए कि रिटर्नर चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसा रेडी करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको भेजना है ये जॉब अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, मैं सारे वीडियो में ये बताता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखा करो, पहले समझ लिया करो यहाँ पे, उसके बाद ही कॉन्टैक्ट करके सारा चीज़ बताया करो आप लोग। ठीक है, तो इसमें जो ये रिक्वायरमेंट है ये बहरीन का है। बहरीन में एक कंपनी है तो उसको टैंकर ड्राइवर की ज़रूरत है, इसको 100 टैंकर ड्राइवर चाहिए। ठीक है, और इसमें रिटर्नर ही अप्लाई कर सकता है, जो रिटर्न हो, जिसके पास बहरीनी लाइसेंस हो, या गल्फ की कोई भी कंट्री का, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, यहाँ पे भी अगर काम किया है बंदा, वहाँ का भी लाइसेंस अगर है उसके पास में, अगर फोटोकॉपी भी है जब भी चलेगा, तो इसमें हाईवे लाइसेंस होना चाहिए। बहुत से होते हैं कि बाहर में आए गल्फ में, तो जहाँ पे भी काम करे तो उनके पास छोटी लाइसेंस होता है, इंडिया का बड़ा लाइसेंस होता है, तो बोलते भाई मेरा गल्फ रिटर्न हो लेकिन मेरे पास लाइसेंस है लेकिन छोटी गाड़ी का है। तो छोटी गाड़ी का लाइसेंस अगर आपके पास में होगा तो आप ये जॉब नहीं अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप पुराना वीडियो भी जाके देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा जॉब मैंने अपडेट किया हुआ हूँ। ठीक है, तो YouTube पे मेरा यही चैनल पे जाके पुराना वीडियो भी देख सकते हो। तो इसमें अगर आपके पास में बहरीन का लाइसेंस है या गल्फ कोई भी कंट्री का लाइसेंस है, चाहे ओरिजिनल लाइसेंस हार्ड कॉपी आपके पास है या फोटो कॉपी भी है, जब भी चलेगा। ठीक है, इसका सैलरी 130 बहरीनी दिनार चलता है, 130 दिनार देगा, और उसके बाद में 10 दिनार खाने के लिए देगा। ठीक है, यानी टोटल आपको बेसिक सैलरी होगा 140 दिनार, जिसमें खाना आपको खाना है, और उसके बाद में रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, ये सारी कंपनी देगी। 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पे आने जाने का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, टैंकर चलाना है, और जैसा मतलब ऑयल का टैंकर हो गया, या मतलब गैस का हुआ, या पेट्रोल का हुआ, ऐसे जो टैंकर होता है, ये बड़ी टैंकर चलाना है, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और इसमें ट्रिप है, ओवर टाइम भी है। ठीक है, और उसके बाद में खाना आपको खाना है, ड्यूटी 8 घंटे का होगा, 8 घंटे के बाद में जो होगा ओवर टाइम मिलेगा, अगर आप लॉन्ग जाते हो तो आपको ट्रिप देगा कंपनी। ठीक है, तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसमें उम्र 25 से और 40 मांगा हुआ है, 40 तक लास्ट मांगा है, 40 के ऊपर अगर उम्र होगा तो आप ये जॉब नहीं अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर अगर जो चीज़ मैं बताया हूँ, ये चीज़ सारा चीज़ है आपके पास में, जब भी आप इसको अप्लाई करो, इसके अंदर डॉक्यूमेंट में आप कुछ पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पे चाहिए, और पासपोर्ट पे जो गल्फ का कोई भी जो भी कंट्री से आप रिटर्न हो उसका वीज़ा लगा होगा, वीज़ा कॉपी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, और गल्फ का आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर ओरिजिनल है तो वो, नहीं तो फोटो कापी, और आपका पास अगर इंडिया का लाइसेंस है तो इंडिया का भी लाइसेंस, ये सारा कोई कंप्यूटर की दुकान पर जाके उसको जो फोटो कापी करते हैं वहाँ पर जाके, और जो जो बताया हम ये सारे डॉक्यूमेंट को दो, बोलो कि भाई इसको स्कैन करके PDF बना के और मोबाइल में मेरे डाल दो, अपने मोबाइल में डलवा लो। ठीक है, और आपके पास लाइसेंस इंडिया का नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, और CV लाजिम बनाओ, CV बनाओ, उसमें प्रोफेशन डालो, टैंकर ड्राइवर, और इंडिया में कितने साल से काम करे हो, गल्फ में कौन सी कंपनी में काम किया हो, कितना साल तक गाड़ी चलाया हो, वो सारा CV में अच्छे से मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट रेडी करके स्कैन करवा के PDF बना के आप मोबाइल के अंदर डाला लो, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसी पे आप कॉन्टैक्ट करो, और पहले नाम बताओ, मेरा नाम ये है, मैंने वीडियो यहाँ देखा था, और इस चीज़ का मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ में मैं इंटरेस्ट हूँ, उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। आप पहले मैसेज करके हाय हेलो करना की इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ जाता है, तो रिप्लाई करने में हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मैसेज करते हो तो हम आपका जब भी मैं आपका मैसेज देखूँ तो मेरे समझ में आ जाए कि आप किस लिए मैसेज करे हो, क्या आपका पोस्टिंग है, क्या प्रोफाइल है आपका, किस चीज़ में जाना चाहते हो, और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दो साथ साथ में। तो मैं एक ही टाइम कभी भी जब आपका मैसेज में देखूँ तो मैं आपका डॉक्यूमेंट तुरंत कंपनी को फॉरवर्ड करके आपका नोट कर लूँ। ठीक है, और CV के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर डालो, और अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर अपना अप्लाई करिए,
वीडियो में जो जो इसे बताया हूँ, अगर आप रिटर्न हो, गल्फ़ का लाइसेंस है, तो यही आप कॉन्टेक्ट करके ये जॉब अप्लाई करो, ठीक है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और इसके अंदर आप कोई दूसरे फील्ड से हो, तो आप पुराना वीडियो भी जाके देख लो। बहुत सारा मैंने वैकेंसी अपलोड किया हूँ और काम भी चल रहा है, वो वैकेंसी पर भी चल ही रहा है। तो आप, हो सकता है आपको दूसरी वीडियो में आपके लायक अपने आपके फील्ड का कुछ जॉब मिल जाए, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करके बताना। और उसके बाद फेसबुक पे देख रहे हो अगर तो फॉलो कर लो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो जॉब सर्च करते हो उस फील्ड का कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में तो आपको लाइक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन बटन दबा के रखोगे, जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँगा आपको इजीली नोटिफिकेशन आएगा। आप देख के वीडियो और जो फटा करके आपके देख आके देख के वो हिसाब से डॉक्यूमेंट जैसा बताऊँगा वो रेडी करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेरे यही अपना जो चैनल है इसके अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। आपके यहाँ टिकटॉक चल रहा है तो टिकटॉक का भी लिंक है, फॉलो कर लो, वहाँ पे भी डालता हूँ। इंस्टाग्राम चला तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी स्टेटस डालता रहता हूँ। और उसके बाद व्हाट्सअप का ग्रुप भी यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, उस पे क्लिक करके ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप कमेंट करके बताना, कमेंट का भी रिप्लाई मिलता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैसेज करते हो तो तुरंत मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जब भी मैं लेट लपेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन रिप्लाई सबको करता हूँ क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आता है। और जब भी मैं मैसेज देखता हूँ तो वो हिसाब से आपका डिटेल में मैं मैसेज करता हूँ। तो लेट कभी भी आप मैसेज करो तो ये टेंशन ना लो कि मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिप्लाई मिलेगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।